गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे और मैं निकला हूँ अपने ऑफिस के लिए, एंड आज से शुरू होता है वीकेंड। तो इस वीकेंड के थोड़े बहुत प्लान्स हैं, बट होपफुली बारिश हमारे प्लान स्पॉइल ना करे, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है एंड पूरे वीकेंड में भी ऑलमोस्ट बारिश का प्रेडिक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बादल देखिए कितना तेज मूव कर रहे हैं। तो फिलहाल 8:30 बजे हैं सुबह के, एंड टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस, बट हमारा ऐप हमें बता रहा है कि इट फील्स लाइक 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, एंड आई डू नॉट डिसअग्री। ऑफिस पहुंच गया हूँ, बहुत हवा चल रही है एंड बारिश भी हो रही है, भागता हूँ भी जल्दी जल्दी अंदर। तो आज का ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है, अवोकाडोस विद कोकम्बर, अनियन, टमेटोज, एक एग जो अच्छी तरीके से नहीं बॉईल हुआ, और ब्रेड। हाय माया, दे ताली। ये तो हमारे ऑफिस में आज फॉर नो रीजन हमारे टीममेट्स ने मंगाया है ये अमेजिंग सा स्ट्रॉबेरी चीज केक। एंड हमारे ऑफिस में ना कुछ फन होता ही रहता है फ्राइडे के दिन, एंड दिस वाज वन ऑफ दोस डेज। सब एंजॉय कर रहे हैं मस्त एकदम। तो अभी बज रहे हैं 5:00 और मैं बस बाहर आया ऑफिस से निकलने के लिए, बहुत बारिश हो रही है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से, बारिश हो रही है। यहाँ की बारिश ना इंडिया की बारिश से थोड़ी अलग होती है। इंडिया में बूंदे बहुत भारी और बड़े होते हैं, यहाँ पे ना बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, बट लगातार होती है, एंड ऊपर से काफ़ी ठंडी भी होती है। तो उसके वजह से ना अब ज़्यादा देर बाहर रह नहीं सकते, क्योंकि अगर एक बार आप गीले हो गए ना तो ठंड तो वार लगा देगी आपकी। तो चलिए जल्दी निकलते हैं अब यहाँ से। बाहर टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस, हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सुकून सा मिल रहा है, बट बाहर हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड लग रही है। अभी उतरा हूँ घर के पास, कुछ 6:45 हो रहे हैं एंड ऑलरेडी देखिए कितना अंधेरा हो गया है। ऐसा लग रहा है रात को इतना लेट काम करके वापस आ रहा हूँ। गाइस तो देखिए सुबह 8 बजे का हाल, अभी एक्चुअली सुबह के 8 बजे हैं। तो जब सुबह के 8 बजे ऐसे हैं तो आप इमेजिन कीजिए हमको उठने में कितनी दिक्कत होती होगी। हमको समझ में ही नहीं आता आजकल कि कब सुबह हो चुकी है कब नहीं हुई है। इवन दो अलार्म बजता है हमारा, हम अलार्म बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर एक तरीका है इसको बाईपास करने का, जो कि है सन लैम्प्स लेना। यहाँ पे सन लैम्प्स होती हैं जो आप घर में लगा के उसको टाइम के हिसाब से ऑन कर सकते हो, जो कि रेप्लिकेट करता है थोड़ा बहुत एक दिन का जो लाइटिंग कंडीशन होता है वो। तो उसकी शॉपिंग बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि उस सन लैम्प की ज़रूरत सिर्फ हमें नहीं, हमारे प्लांट्स को भी है। इमेजिन कीजिए प्लांट्स को चाहिए होती है धूप, धूप से मिलता है उनको खाना, और बिना लाइट के उनके लिए भी सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है एंड उनका ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाता है ऐसे कंट्रीज़ में विंटर में। तो वो हाल है यहाँ पे फ़िलहाल अक्टूबर में। अभी धीरे धीरे नवंबर में तो और गंदा होने वाला है। नवंबर को यहाँ पे सबसे बेकार महीना माना जाता है, सबसे बेकार। तो 12:30 हुए हैं अभी दोपहर के, तब जाके इतना उजाला हुआ है। इस मैडम को देखिए कैसी बैठी है राम के डोर के सामने, राम की अभी मीटिंग चल रही है पर इस मैडम को अंदर जाना है।
अरे प्यार तो देखो जरा, ऐसे जन्म जन्म के बिछड़े हुए साथी अब देख रहे हैं दोनों के दोनों। माया कब से नहीं मिली तू? तू शूट कर रहा है और मैं तुझे शूट कर रही हूँ। आ रहा है कोई अच्छा शॉट मिलेगा, स्टिल शॉट। तो भी मैं निकला हूँ माया का खाना लेने, उसका खाना ख़त्म हो चुका है एंड अभी फ़िलहाल है 2 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी ठंड है और काफ़ी हवा भी चल रही है। आज सुबह फोरकास्ट में ऐसा दिखाया था कि बर्फ़ गिरने वाली है, स्नो होने वाला है, बट कुछ हुआ नहीं, मोस्टली बारिश ही हुई। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, मैंने सोचा था आज के व्लॉग में थोड़ा स्नो वगैरह दिखाने मिलेगा, बट कोई बात नहीं, कभी और दिखा देंगे। तो सोचा है इस बार ये ट्राई करते हैं और जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड हमारा पुराना वाला भी ले लेते हैं। ये है राम का काम। अरे गलती से गिर गया, मैं मेरा क्या काम है ये? ऐसे कौन करता है? हाँ अरे वो लूज था ढक्कन, तो पता होना चाहिए ना। 1 मिनट पहले सारे ढक्कन लूज होते हैं। बोला व्हाट डिड यू जस्ट से? मैंने बोला तो बहुत ज्यादा आजकल अनरीजनेबली बिहेव कर रहे हैं। मैंने क्या किया? सब खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ? बस बैठ के खाती रहती खाना और मेरा दिमाग तो नहीं। रामी तूने खाया चीज केक? क्या ये तूने खाया? हाँ अकेले अकेले? अकेले नहीं, ऑफिस वाले लेके आए थे, ऑफिस वालों के लिए, तो मैंने भी एक पीस खाया। यार कितना बड़ा है वो, एंड दैट्स अ चीज केक, स्ट्रॉबेरी चीज केक। खाना है तुझे? ऑफ कोर्स। ओके माया, माया देख क्या किया उसने, उसको उतरना है बेचारी को। तो टाइम आ गया है माया को वापस बाहर घुमाने का। माया तो चल चलते हैं, कम चल। अभी तो इसको फिलहाल उठा के लेके जा रहा हूँ बाहर, डरती बहुत है, बहुत डरपोक है। इट्स ओके माया, माया इट्स ओके, माया इट्स ओके। तो गाइस अभी ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, क्योंकि अभी हमारे लिए ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है एक बहुत ही एक्साइटिंग से डेस्टिनेशन पे जाने का, जो हम आपको दिखाएंगे कल के व्लॉग में। तो आज मैंने वो तेलुगु समाज के दशहरा वाला व्लॉग वापस अपलोड किया है, क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे थे कि वो वीडियो अनअवेलेबल है। एक टाइम पर ऐसा भी हो गया था कि वो मुझे भी अनअवेलेबल दिखा रहा था, तो वो वापस री अपलोड हो चुका है, उसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। तो हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।